धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गुरुकुलम के इस परिसर में एक ऐतिहासिक क्षण हमारे समक्ष और उस क्षण के साक्षी हम सभी, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। परम पूज्य परम कृपालु परम दयालु गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। सर्वदेवमयी सर्वानंदमयी सर्वरोगनाशिनी सर्वसंकट तारिणी पंचगव्य की दाता भगवती जगदम्बा गोमाता के चरणों में प्रणाम। धर्मावतार बेल भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी अतिथिगण और विद्यालय के समस्त गुरुजन, आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, विश्व की प्रथम जो पंचगव्य का निवास है उसका आज भूमि पूजन होने जा रहा है। पंचगव्य के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि कई लोग जानते नहीं है कि पंचगव्य होता क्या है। गाय माता से जो पांच चीजें हमें प्राप्त होती हैं, गाय माता का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का रस, इन पांचों चीजों को कहते हैं पंचगव्य। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि भवन निर्माण में पंचगव्य का उपयोग किया जा रहा है। पंचगव्य का जो ये भवन निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ कुछ दिनों बाद छात्रावास का भी कार्य प्रारंभ होगा। ये एक ऐसा आवास रहेगा जो पूर्णतः रेडिएशन से मुक्त रहेगा और सात्विक भाव बच्चों में बने रहें, सात्विक विचार उनमें बने रहें, क्योंकि आसपास के वातावरण का हमारे विचारों पर, हमारे मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आजकल हम देख रहे हैं समाज में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारा विचारों में जहर घुल रहा है, तो उसका कहीं न कहीं कारण हमारे आसपास का वातावरण, मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन और ये सारा प्रदूषित वातावरण हमारे विचारों को प्रभावित करता है। तो आने वाली पीढ़ी सात्विक रहे, सात्विक भाव से परिपूर्ण हो, ताकि वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए और गौ के हित में अपना जीवन अर्पण कर सके, ऐसे बच्चों का निर्माण जय जीएम गुरुकुलम से हो। इसीलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि जिस आवास में बच्चे रहें वो बच्चे का आवास पूर्णतः सात्विक हो, सतोगुणी हो। और न सिर्फ आवास ही, परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने आगे आने वाले जेजीएम गुरुकुलम में पढ़ने वाले बच्चों के निर्माण के लिए छोटी से छोटी बात का भी विशेष ध्यान रखा है। जैसे कि पास में ही गौशाला का निर्माण हो रहा है, गौ माता अपने आप में सात्विक गुणों की खान है और हमारे शास्त्रों में ये बात निर्देशित है कि जब गौ माता के सानिध्य में कोई व्यक्ति रहता है तो सात्विक भाव उसमें स्वयं में आ जाते हैं जो सेवा करता है। तो यहाँ के विद्यार्थी जो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे उनके लिए नित्य ही गौ सेवा, गौ परिक्रमा, गौ पूजन का कार्यक्रम रहेगा, ताकि गौ के सानिध्य में रह करके सतोगुण सतोभाव उनमें रहे, ताकि वो आगे जाकर के और राष्ट्र निर्माण में अपना अनुपम सहयोग प्रदान कर सके। साथ ही साथ एक और प्रकल्प भी आपके सामने आप देखेंगे कि गौ माता के गोबर से गोबर गैस का जो प्लांट है उसका भी निर्माण चल रहा है, ताकि जो अग्नि है वो भी परम पवित्र हो और उस पर जो भोजन पकाया जाए वो भी पवित्र हो, ताकि किसी भी तरीके से बच्चे में तामसिक भावों का प्रवेश नहीं हो। तो सामने गोबर गैस प्लांट का भी निर्माण हो रहा है। और विशेष मेरे भाई बहनों कार्यक्रम ये भी है कि इस साथ बाहर हाईवे पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कई बार प्यास के कारण उनको परेशान होना पड़ता है, कई सारे पथिक आसपास में कोई बस्ती नहीं होने के कारण जल की उपलब्धता, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने उनके लिए भी शीतल जल का भी व्यवस्था की। और आज जो बार, तो ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे अद्भुत विद्यालय में, ऐसी अद्भुत
संकल्पनाएं जहां चलनी है, जहां पर ऐसी सुंदर परिकल्पनाएं गुरुदेव भगवान ने की है, वहां पर हमें सम्मिलित होने का अवसर मिला है। तो आप सभी लोगों का पुनश्च बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, अभिनंदन है। ओम जय गो माता। जैसा कि दीदी ने अभी बताया, पंचगव्य द्वारा निर्मित